चार पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके आधार पे हम कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, या डॉक्टर्स कहते हैं कि मरीज की हालत बहुत खराब है, बचने की उम्मीद कम है, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं। तो ये चार पॉइंट्स आप सभी नर्सेस को आने बहुत जरूरी है। तो उसमें जो पहला पॉइंट था वो है नबज, जिसको हम इंग्लिश में पल्स कहते हैं। तो पल्स बेटे क्या है, जो हमारा हार्ट होता है उससे एक ब्लड वेसल या खून की नाड़ी जुड़ी होती है। तो जब हार्ट हमारा धक धक करता है, अपने छाती पे हाथ रखो तो हार्ट की हमें बीटिंग सुनो फील होती है। तो जब हार्ट दबता है तो अपना ब्लड नाड़ी में डाल देता है और वही नाड़ी में उछाल आता है, जिसको हम नबज कहते हैं। आमतौर पे ये नाड़ियां बहुत नीचे की सतह पे होती हैं। जैसे दिल से नाड़ी निकली तो हमारी जो लेफ्ट साइड की बाजू है इसमें आएगी, ऊपर वाली बाजू में, फिर कोहनी के बाद नीचे की नाड़ी में आएगी, फिर कलाई के पास, फिर वहां से ये अलग-अलग उंगलियों में जाएगी। तो सारी जगह तो ये बहुत गहराई में नाड़ी जा रही है, पर जहां आपकी कलाई है वहां ये नाड़ी थोड़ी ऊपर आती है। जैसे मछली नीचे की सतह पे होती है, आप मूंगफली डालते हो तो ऊपर आ जाती है। तो ऐसे अंगूठे के नीचे हाथ रखोगे तो आपको अपनी नाड़ी का उछाल पता चलेगा। ये उछाल हमारा 1 मिनट में, क्योंकि हमारा दिल जो है 70 से 72 बार धड़कता है, इसीलिए हमारी नाड़ी का भी जो धड़कने की रेट है, जिसको हम रेट बोलते हैं, 70 से 72 बार। रेट बेटे इसको इसलिए बोलते हैं कि कोई भी सामान खरीदते हो तो आप पूछते हो ना इसका भाव क्या है, सेब का भाव क्या है। भाव की इंग्लिश रेट होती है, यानी कितने पैसे में कितना सामान। तो हमारा 1 मिनट में हमारी नाड़ी कितने बार धड़कती है, इसको हम पल्स कहते हैं। दूसरा है हमारा तापमान, टेम्परेचर। तो अगर हमारी तबीयत खराब हो तो हमारा बुखार बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर का तापमान, जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो हमारा सामान्य टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 98.4, पर आजकल क्योंकि मीट्रिक सिस्टम चल रहा है इसलिए हम 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो जैसे एक पाव 250 ग्राम के बराबर है, इसी तरह 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो हम हमसे कोई पूछे कि हमारा शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है, तो आप कहेंगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। इसको बेटे देखो, फुट्टे पे भी आपके दो तरह के निशान है, एक सेंटीमीटर के और दूसरी तरफ इंचेस के। तो इसी तरह हम अपने तापमान को भी दोनों यूनिट्स में बोलते हैं। फिर हमारा ब्लड प्रेशर है, जिसको हम बीपी बोलते हैं। सामान्य बीपी हमारा 110/70 से लेके 120/80 होता है। तो ज्यादा अच्छा होता अगर आप कॉपी पेंसिल भी लेके बैठती, या अपने साथ वाली जो या किसी और से फोन पे पूछ सकती हो कि मैडम ने कितनी रीडिंग बताई थी। तो लिख लो जल्दी से, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 110/70 से लेके 120/80 मिलीमीटर ऑफ HG होता है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट बताया था श्वास क्रिया, 1 मिनट में 18 से 22। चंचल मैम एक मिनट, चंचल जी आप या तो म्यूट कीजिए या आप अपने बैग के साउंड बंद कीजिए, आप जब अनम्यूट करते हैं तो साउंड बहुत ज्यादा आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है इसे। मैम स्टार्ट कीजिए। सॉरी, हाँ तो कंचन आपको चारों पॉइंट्स के आंसर मिल गए। तो सबसे पहले बेटे आपका इसको आपको मुझे हेडिंग बोलना चाहिए था, आप कहते चार चार पॉइंट्स वो बता दो, तो मुझे क्या पता कौन से चार पॉइंट्स की आप बात कर रहे हो। पॉइंट्स तो हमने ओपीडी और इमरजेंसी के डिफरेंस में भी पढ़े थे, पॉइंट्स हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल के भी पढ़े थे। तो आप जब क्वेश्चन पूछते हो बेटे तो आप घर से लिख के लाओ कॉपी पे, मुझे ये पूछना है वाइटल साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी या जीवित होने के चिन्ह, वो चार चिन्ह ही है। समझ आ गया बेटे आपको, आंसर मिल गया। कंचन कंचन आपको आंसर मिल गया ना? यस मैम। अच्छा चलो अब सेकंड स्टूडेंट जल्दी जल्दी पूछो, अब सेकंड स्टूडेंट बोले जल्दी से, में से कोई बोलो, निशी मंजू कोई, प्रीत यादव ज्योति बोलो, क्वेश्चन पूछो कोई, किसी को कोई डाउट। नमस्ते नमस्ते। हाँ बेटा बोलो। सोनीपत से बोल रही हूँ मैम। अच्छा बोलो, क्या नाम है बेटा? मैम मैं सोनीपत सेंटर में काम भी करती हूँ।
हाँ हाँ मैं पहचान गई बेटे, बिल्कुल पहचान गई, आवाज भी पहचान रही हूँ। अच्छा बोलो बेटे, लीवर में कमजोरी क्या होती है मैडम? लीवर जो है बेटी, जैसे जो उसके फंक्शन है, अगर सपोज करो मेरी आंखों में, आंखों का क्या काम है? देखना। तो अगर मैं आंखों से देख नहीं पाती, मेरी नजर कमजोर हो जाती है, तो हमारा सिम्टम क्या है कि वो काम करना प्रॉपर कम कर देता है। तो लिवर के तो बेटे कई फंक्शंस होते हैं, कई उसके काम होते हैं, पर हम अपने लेवल पे याद करने के लिए चार पॉइंट्स मैंने लिखाए थे। एक तो भूख लगना, भूख लगने के लिए जो जूस है वो लिवर में बनते हैं। फिर सेकंड, जो खाना हमने खा लिया उसको पचाने वाले भी जूस लिवर में बनते हैं। कौन सा खाना? चर्बी वाला खाना, जो तेल मक्खन घी खाते हैं, ठीक है। तीसरा, टूटे हुए रेड ब्लड सेल को छानना। हमने पढ़ा था हमारे ब्लड में लाल कण, सफेद कण और प्लेटलेट्स होते हैं। हमारे रोज थोड़े से रेड ब्लड सेल टूटते हैं, तो जब वो टूटेंगे तो उसका रंग कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। तो लिवर का क्या काम है कि ये ब्लड जब उसके लिवर में आएगा तो उसको वो छान के रंग को, ब्लड को साफ करके वापस भेज देगा। अगर ये नहीं छाने तो रंग बढ़ता जाएगा उसमें, ठीक है कि नहीं। जैसे आप चाय बनाते हो तो पहली पत्ती छानी नहीं, ऊपर से और पत्ती डाल दी तो चाय तो काली होगी होगी ना। और तो अगर ये लिवर जो है उसका क्या काम है, इस रंग को छानना, और छानने के बाद इस रंग को जो हमने गॉल ब्लैडर के साथ नलकी पड़ी थी अंतड़ियों में डाल देना। इसीलिए जब रंग अंतड़ियों में आता है तो टॉयलेट का कलर या स्टूल का कलर ब्राउन होता है, समझ गए। और अगर लिवर ये छाने ना तो रंग किस में जाता जाएगा? ब्लड में ही, इसी को पीलिया कहते हैं। चौथा हमारा क्या फंक्शन था लिवर का? जो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए जो सामान चाहिए, जिसको हम फैक्टर्स बोलते हैं, ब्लीडिंग कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स, वो भी लिवर में बनते हैं। तो अगर हमारा लिवर वीक हो जाए तो क्या होगा? बच्चे को भूख नहीं लगेगी। अगर हम खाना खाएं चर्बी वाला तो वो पचेगा नहीं, और चर्बी लिवर में ही जमती जाएगी, लिवर और खराब हो जाएगा। और अगर वो रंग नहीं छानेगा, जो उसका काम है, तो रंग नहीं छानेगा तो क्या होगा? खून में रंग बढ़ता जाएगा, जिसको हम पीलिया कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर ब्लीडिंग कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स नहीं बनाएगा और हम पेशेंट को टेबल पे लिटा के ऑपरेशन करने बैठ जाते हैं, तो पेशेंट का ऑपरेशन तो ठीक हो जाएगा, ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी किसी पेशेंट का कोई बड़ा ऑपरेशन करना होता है तो पहले हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। लिवर एल से शुरू होता है, फंक्शन एफ से, एल एफ टी बोलते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसके शरीर में ब्लीडिंग कंट्रोल करने वाला सामान ठीक बनता है, ठीक है बेटे। तो आपको दया अपना आंसर मिल गया। और कोई बोलो, देवांशी, ज्योत्सना, देवांशी, ज्योत्सना, मंजू, अनु शर्मा, आप लोग का क्वेश्चन कोई? इसीलिए मैंने कहा था लाइन लाइन एक एक का नाम लो, पूछो कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट स्टूडेंट। ऐसा हाँ। तो बड़ा हचमच हो जाएगा, टाइम इसी में ही वेस्ट हो जाएगा। वही तो, अब कौन है, अब कौन आ रहा है, अब बोलो। अजय जी किसी एक का नाम बोलिए, वही का आंसर क्वेश्चन करेगा। एक का बोलो ना, सारों का मत बोलो। ओके ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, हाँ बेटे बोलो। मैम आपका नाम? मैम देवांशी। अच्छा कहाँ से हो बेटा? मैम सोनीपत से। हाँ बोलो बेटे, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार उसके बताना पॉइंट्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। अरे वो तो बहुत लंबा सिस्टम है बेटे, आप क्लास में आए नहीं थे क्या? नहीं मैम, सिर्फ नेम्स नेम। क्यों, आप क्लास में आए नहीं थे क्या? नहीं मैम, उस दिन थोड़े बीमार थे। कल मैंने पूरा रिपीट भी किया। सबसे पहले माउथ है, मैम आपके साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। हेलो अब आ रही है? यस मैम, यस अब आ रही है। अच्छा चलो दोबारा। देवांशी आप उस दिन तो क्लास में थे डाइजेस्टिव। हाँ आप नहीं आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? मैम आप, हेलो अब नहीं आ रही आवाज? मैम अब आ रही है, क्लियर आ रही है। तो क्लियर अब बोलो, अब पूछो।
डाइजेस्टिव सिस्टम ये कह रही है, तो वो जो डायग्राम है उसके हिसाब से नाम लिख ले, पहले तो माउथ पार्ट्स हैं बेटे, फिर फूड पाइप है, फिर स्टमक है, फिर छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड देन एनल कैनाल, और जिस रास्ते से मल निकलता है उसको एनस बोलते हैं। तो अब ये मैं नाम तो गिना दिए, लेकिन आप जो जहाँ रहते हो आपके साथ के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं घर पे, उनसे फोन करके या किसी टाइम सेंटर में तो नहीं आते होंगे, उसे नोट्स ले सकते। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में और क्या होता है, लिवर, जिसके अभी मैंने आपको चार पॉइंट्स बताए फंक्शन क्या है। लिवर जो अपना जूस निकालता है वो एक कलेक्ट होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर से एक नलकी के रास्ते ये जूस अंतड़ियों में आता है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, और इसके साथ ही एक ऑर्गन और होता है जिसको पेनक्रियास कहते हैं। पेनक्रियास का काम है इंसुलिन बनाना, और इंसुलिन हमारे शरीर की ब्लड शुगर को कंट्रोल करता। ठीक है बेटे, तो अब हमने लास्ट क्लास में ये भी मैंने इनको पढ़ा दिया था कि जो भी हम खाना खाते हैं माउथ से लेके एनस से बाहर रहता है, तो अगर इस पूरी अंतड़ियों के रूट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम स्टूल में आ जाती है, इसीलिए हम स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं। समझ गए, तो ये स्टूल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट पढ़ना भी कल मैंने उनको स्टूडेंट्स को बता दी थी। तो अब अपने भी किसी भी और जो आपके कलीग हैं उनसे ये रिपोर्ट के बारे में शेयर कर सकते, क्योंकि अब थैंक यू। प्रीत यादव, कौन? प्रीत यादव, ज्योति, प्रीत यादव। हाँ जी सर, मैं जितारू से बोल रही हूँ मैडम, डेल टू सेंटर से। ज्योति, हाँ जी ज्योति जी बोलिए, मोस्ट वेलकम, पूछो बेटे क्वेश्चन। बोलो बोलो क्वेश्चन। क्या चीज ज्योति जी, आपका नेट के प्रॉब्लम है क्या? साउंड में ब्रेक हो रहा है आपका। आप चैट बॉक्स पे टाइप क्लियर कर दीजिए आप अपना क्वेश्चन। मेरा थोड़ा सा लिखना रह गया, मैं बोल रही जाई हूं तो बोल सकते। क्वेश्चन पूछो बेटा। कहां पे सर जी? अब बोल, आप बोलो, आप बोलो ज्योति, बोलो आप। हाँ ज्योति, क्वेश्चन पूछो बेटा। मैम वो फेफड़े की जो आपने लिखवाया था वो थोड़ा सा मेरा मिस हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी, तो वो एक बार दोबारा से बता दोगे थोड़ा फेफड़े के बारे में? फेफड़े के बारे में तो बेटे अभी हमने सिस्टम लिया ही नहीं है, पर अगर फेफड़े के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। मैम वो थोड़ा सा रह गया था, मेरा आवाज नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं, फेफड़े से हम सांस लेते हैं तो इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो क्योंकि मैंने नाम लिखाए थे हमारी बॉडी के कौन कौन से सिस्टम्स हैं, तो इस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वास क्रिया। तो श्वास क्रिया में बेटे इसके दो हिस्से हैं, सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालना। तो जब हम अंदर सांस लेंगे, किसी चीज में कोई चीज डालेंगे तो नेचुरल वो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती फूल जाती है, है ना? आप घर में बैठे बैठे भी अब देखो, लंबा सांस लो तो छाती फूल जाएगी, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो फेफड़ा पिचक जाता है और गैस को बाहर निकाल देता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, और जब हम फिर ये फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है किस कहाँ जाएगी, जो खून की नाड़ियां हमारी फेफड़ों में आती हैं, तो खून की नाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में चली जाएगी और फेफड़ा ऑक्सीजन जो है खून की नाड़ियों को दे देगा। तो ब्लड का जो शुद्धिकरण है, ब्लड की जो सफाई होती है, उसका सफाई होने का सेंटर क्या है? फेफड़े हमारे। तो सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालने को हम एक प्रतिक्रिया मानेंगे, मतलब एक चीज मानेंगे। तो इसीलिए जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं 18 से 22 मिनट, मतलब को हम एक किसको मानेंगे सांस, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम घड़ी से गिनते हैं, सांस ऊपर आता है फेफड़ा, छाती फूलती है, फिर छाती दब जाती है, ये एक हो गया, फिर छाती ऊपर जाएगी, छाती नीचे, ये दो हो गया। ठीक है, तो ये तो हम इंस्पिरेशन मैंने अंदर आना, एक्सपायरेशन मीन सांस बाहर निकालना। तो अगर एक्सपायरेशन इंस्पिरेशन नहीं लिख सकते तो सांस अंदर लेना और सांस बाहर लिखाना, हिंदी में लिखना। चलो बेटे नेक्स्ट।
ठीक है मैम, ओके थैंक यू। नेक्स्ट निशी यादव। हाँ निशी बेटे, कोई डिफिकल्टी हो तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मंजू। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मंजू, कैसे बेटा, बोलो क्वेश्चन। निशी है, निशी। निशी, अच्छा बोलो। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते बच्चे, हाँ बोलो। मेरी आवाज? हाँ आ रही है आवाज, बोलो क्वेश्चन, बोलो बेटे क्वेश्चन। मैम वो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, मुझे बस इतना करना है कि अगर अचानक हमारे पैर में मोच आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अच्छा चलो, मोच के बारे में पूछ रही है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो मैम मुझे सिंपल क्वेश्चन पूछना है, वो सिंपल क्वेश्चन है। पर बेटे अभी तो मैंने मोच के बारे में पढ़ाया ही नहीं है, पर चलो फिर भी मोच आ जाती है तो इसमें जो हमारी मांसपेशियां हैं वो उखड़ जाती हैं या फट जाती हैं, इसमें हड्डी में चोट नहीं आती। तो फ्रैक्चर, जिसको हड्डी टूटना और मोच में यही फर्क है, मोच में हड्डी नहीं टूटती, मांसपेशियां। तो मांसपेशियां जैसे उखड़ जाए तो हम उसको गर्म पट्टी बांधेंगे खींच के। गर्म पट्टी का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर इलास्टिक होता है, और पैर के नीचे तकिया रखेंगे, एड़ी के नीचे, ये जो हमारी मसल्स हैं उसके नीचे नहीं, एड़ी के नीचे, ताकि उस पर जोर ना पड़े, और थोड़ी सी सिकाई करेंगे और पेन किलर दवाई खाएंगे। ओके ओके मैम, थैंक्स मैम। ओके काजल, काजल कौन है, काजल अंटिल, काजल, काजल जी नहीं है कोई। मंजू, मंजू जी, मंजू देवांशी, अन्नू शर्मा। मैम आप स्टार्ट कर दो, आप स्टार्ट कर दो, तो किसी की कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलो नहीं, अभी अभी क्वेश्चन, अब आप स्टार्ट कर दो मैम, ठीक है। हेलो बेटे, पिछला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया था, और मैंने आपको पेट के कीड़ों के बारे में भी कल हमने बातचीत की थी, हमने उसमें पढ़ा था राउंड वर्म होते हैं जिसको केचुआ नुमा होते हैं, देन हुक वर्म्स जैसे छतरी की छड़ी होती है, या हम ब्लाउज में या कपड़ों में हुक लगाते हैं। तीसरा थ्रेड वर्म्स जो धागे की तरह होते हैं, जिसको हिंदी भाषा में हम चुन्ने कहते हैं, या माए कई बार कहती हैं कि मैडम इसको ना लैट्रिन के रास्ते खुजली होती है। हाँ जी बेटे बोलो। मैम तन्नू ने हैंड रेज करे, तन्नू आपका कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज करे हैं? अब इसके बाद फिर नहीं तो कर लेंगे ना, तो क्लास ये वाला खत्म हो जाए। ओके तो जिसके जिसके और रहते हैं वो फिर इसके बाद, क्योंकि अब ये लिंकेज फिर मेरा भी टूटेगा बच्चों को। ओके मैम, ओके। तो हमने नाम वर्म्स के पढ़े थे, इसमें हमने ये भी पढ़ा था जो सबसे खतरनाक कीड़ा है पेट का, वो टेप वर्म है। टेप मैंने फीता, फीता नुमा कीड़ा। तो आमतौर पे ये जो कीड़े हमारे पेट में आते हैं, ये अगर हम साफ सफाई से भोजन नहीं खाते, तो आप कहेंगे मैडम मैं तो बहुत साफ सफाई से हाथ वाथ खूब धोती हूँ, पर सारी लड़कियां अपने अपने जरा नाखून देखना, आप कहेंगे हमारे नाखून तो बहुत साफ हैं। आज एक ग्लास में पानी ले लेना, थोड़ा गुनगुना, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना या घर में मीठा सोडा हो, और उसमें अपनी उंगलियां डालना, 5 मिनट बाद देखना जो आपका बिल्कुल साफ पानी था अब ये मटमैला हो जाएगा, क्योंकि नाखून के अंदर जितनी भी गंदगी है वो नमक और उससे मिलने से ग्लास में आ गई। तो जब हम आटा गूंथते हैं या कुछ करते हैं तो ये सारी गंदगी जो हमारे हाथों की होती है ये हमारे खाने में आ जाती है। इसीलिए एक गृहिणी का ये काम है अपने नाखूनों को बिल्कुल काट के रखे और साफ ब्रश से उनको हमेशा रगड़े, ताकि उसके अंदर की मैल हमेशा निकल जाए। दूसरा, हमारे पेट में कीड़े कैसे आ जाते हैं, हम ठेले पे खड़े होके खड़े खड़े ही वही सब्जियां ही चक चक के देखते हैं, खासकर आजकल के मौसम में ककड़ी। तो ककड़ी को जो सब्जी वाला लाता है वो कहीं से भी धो के लाता है, साफ पानी पता नहीं कॉर्पोरेशन का होता है आपके यहाँ या हैंडपंप का पानी। यहाँ बेटे मैं एक बात और कहना चाहूंगी, ये जो हमारा पूरा हैंडपंप का पानी है जो जमीन से हम खींचते हैं, ये पीने लायक नहीं है। आप कहेंगे मैडम क्यों पीने लायक क्यों नहीं है भाई, अगर आपके घर के आसपास आप देखते हो, गांव में तो काफी कच्ची जमीन भी होती है, जब बरसात होती है तो सारी जमीन कच्ची और कीचड़ हो जाता है, ठीक है ना, उसमें गाय मवेशियों के गोबर भी होगा और भी गंद होगा, पर जैसे बरसात बंद होती है ये सारा जो पानी है ये जमीन सोख लेती है। जब जमीन सोख लेती है तो
तो अपने साथ ऊपर की गंदगी भी ले जाती है, और जब वो गंदगी पानी के अंदर एक तालाब की तरह सोत रहे है, जब हम हैंडपंप के गेड के पानी पीते हैं हमें मीठा भी बहुत लगता है, ठंडा भी बहुत लगता है, पर उसमें तो सारी गंदगी है ना। तो इससे बेटर है कि आप अगर हैंडपंप का भी पानी पीते हो तो उसको सफा करने के लिए आपके एमसीडी से, मैं जब आपके यहाँ पढ़ाने भी या अवेयरनेस सेशंस लेने आई थी, क्लोरीन की गोली यूज करते हैं, या आप आरओ यूज करिए, रिवर्स ऑस्मोसिस या एक्वागार्ड, इस तरह से जो हमारे पानी की गंदगी है वो छन जाती है। अगर हमारे पेट में कीड़े आ जाते हैं, और बच्चों के भी मैंने पेट में कीड़े बताए थे कि उसका कारण क्या है, बच्चे जो पैरों में चप्पल जूता नहीं पहनते, मम्मी कहते हैं इसका पैर का जूता मैडम ढीला हो जाता है, रास्ते में एक फेंक आता है, पर ये आपको ध्यान रखना है, अगर बच्चा नंगे पांव चलेगा तो क्या होगा, उसको कांटा भी चुभ सकता है, कांच भी चुभ सकता है, लोहे की चीज भी चुभ सकती है, और पेट में कीड़े भी इसी रास्ते से आते हैं। तो अगर आप अंगूठा और उसके साथ वाली उंगली के बीच की जगह को देखो तो हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं उससे भी ज्यादा मुलायम है। तो जब बच्चे नंगे पांव चलते हैं तो मिट्टी में जो कीटाणु होते हैं वो उस उंगलियों के रास्ते बच्चों के पेट में आ जाते हैं, और पेट में जाके क्या करेंगे, ये खून चूसेंगे। जैसे सिर में जुएं हो जाती हैं, कहते तो अच्छा नहीं लगता, जब नाखून पे आप उसको मारते हैं जुए को तो ब्लड निकलता है, तो वो ब्लड उसमें कहां से आया, आपकी खोपड़ी से ही तो सारा उसने चूसा आपका ब्लड। तो चाहे आप कितना भी ताकत वाला खाना खाओ, पर अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो वो सारी ताकत कौन खाता जा रहा है, पेट के कीड़े, तो इससे आपका रंग पीला पीला हो जाता है, और यही हम आगे जाके पढ़ेंगे हमारे अंदर खून की कमी के क्या कारण है। तो बच्चों में जो सबसे मुख्य कारण पेट के कीड़े और खून की कमी का है, पेट के कीड़े, ठीक है। तो पेट के कीड़े अगर हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमें पेट तो अंदर अंतड़ियां बंद है, हमें थोड़ी पता है कि इसके अंदर कीड़े हैं कि नहीं, तो ऐसे में स्टूल टेस्ट कराना, तो कई लोग तो कराते भी हैं, कई नहीं भी करा पाते। तो जब हम ये खाना खाते हैं, इसी तरह बेटे आप कई बार आप और भी कई चीज सड़क पे, बच्चे जो स्कूल जाते हैं तरबूज काटा देखते हैं, चौमिन भी बेचते हैं, मक्खियां भी बिन बिन कर रही हैं, वो गनेरी भी कटी हुई खाते हैं, इसका मतलब कटे हुए फल हमें जो सड़क पे दिखते हैं, या टिकिया वाला गड्डी बजाता जाता है टिकिया बेचता है, वो नहीं खानी चाहिए। अगर वो छन्नी से ढके हुए हैं, मक्खियां उस पे नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत खा सकते हो। या एक कारण और है, जो मैं आप लोगों के यहाँ भी आती थी तो देखते थे, वो कबाड़ी वाला आता है, तो चलो कहते हुए तो अच्छा नहीं लगता, रात को पिताजी या जेंट्स पौआ से वो शराब लेते हैं, पौआ की बोतल खाली हो जाती है, बच्चे उसी को बोतल को संभाल संभाल के रखते हैं कि सुबह वो सेब वाला आएगा तो वो कबाड़ी वाला क्या करता है, सेब दे जाता है और उसके बदले बोतल ले जाता है। पर अगर आप वो सेब को देखो तो एक तरफ से गला हुआ होता है, चक्कू से वो उसको काट के बच्चों को पकड़ा देता है। तो ये सब हमारी माओं का काम है, ये देखना कि हमारे बच्चे जो है किस टाइप का फल खा रहे हैं। इसी तरह बेटे मैंने एक बार ना यहाँ दिल्ली में भी वर्कशॉप ली थी, तो ये मैं पढ़ा ही रही थी अभी, तो एक ठेले वाला आया जो कि ये सब कुछ बेच रहा था, बच्चे तो फटाफट वहां गए, उसकी रेड़ी पलट दी। वो क्यों पलट दी, सारे केले और जो सेब लाया था पौआ लेता जा रहा था, वो गले सड़े सेब देता जा रहा था, तो उसने डांटा किया, तो कहने लगा आप क्यों सड़े हुए फल हमारी गली में लेके आते हो, आज तो हम बड़े बच्चे हैं, हमारे छोटे बहन भाई इसको खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो बच्चे जो होते हैं ना बेटे, बड़ी जल्दी बात को समझते हैं, ठीक है। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे इस तरह की खाने का भोजन मत खाएं, नंगे पांव मत चलें, पानी बिल्कुल साफ सुथरा हो, और उनको एक आदत डालें, खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह धोना है, और गृहिणियों को अपने हाथ की उंगलियों के जितने भी नाखून है उनको साफ करना चाहिए, बच्चों के भी नाखून काटने चाहिए, आमतौर पर टीचर्स जो होती हैं काटती हैं, कई बार माए कहती हैं हमें टाइम नहीं मिला, अब बच्चा तो स्कूल पहुंच गया, अब उसको डर लग रहा है कि मैडम मेरे नाखून देखेगी और मेरे में तो मिट्टी भरी हुई है, तो बच्चा क्या करता है नाखूनों को दांत से काटना शुरू करता है, क्योंकि वहां तो ना नेल कटर है बेचारे के पास ना कैंची, तो जब वो दांतों से नाखून को काटेगा तो गंदगी कहाँ जाएगी, बच्चे के मुंह में, समझ आया।
तो पहले बेटे हमारे यहाँ होता था स्टूल टेस्ट की जो रिपोर्ट आती थी, तो जो कीड़ा होगा उसी की मारने की अलग अलग दवाइयां होती थी। अब मान लो मैंने स्टूल टेस्ट किसी का कराया, एक तरह के तो कीड़े आ गए, दूसरे नहीं आए अंडे उस दिन, उसके अंडे नहीं निकले, तो अब हमारे पास एक ऐसी दवाई है जो एक ही बार खाने में पेट के जितने कीड़े होंगे सारे खत्म हो जाएंगे। तो जो एक ही बार खाने वाली दवाई होती है उसको सिंगल डोज कहते हैं। डोज मैंने खुराक, यानी दवाई की खुराक, सिंगल मैंने एक बार। तो अगर तो आप लिख सकते हो, मैं तो नाम भी बता सकती हूँ, या आपके घर के पास केमिस्ट कोई तो होगा, तो उसको कहना भैया जी जरा वो दवाई दिखा दो जो पेट के कीड़े मारने के लिए एक ही गोली होती है वो वाली, तो लिख लो। वैसे तो मैं बोलती हूँ, कॉपी पेंसिल अगर आपके पास है तो उसका नाम है एल्बेंडाजोल, ALBENDA एल्बेंडाजोल, ZOLE। अगर इंग्लिश में जल्दी से नहीं लिख सके तो हिंदी में लिख लो एल्बेंडाजोल, ठीक है। ये बेटे जो एल्बेंडाजोल है दो फॉर्म में आती है, एक तो गोली के रूप में और दूसरा लिक्विड के रूप में। तो जो लिक्विड वाली दवाई होती है उसको हम सिरप कहते हैं। सिरप वैसे उसको कहते हैं जिसमें थोड़ा मीठा हो, प्लेन पानी को हम सिरप नहीं कहेंगे, है ना। तो जिसमें थोड़ी सी मिठास होती है उसको हम सिरप कहते हैं। तो ये जो गोली है वो गोली के रूप में भी आएगी और ये सिरप के रूप में भी आएगी। तो जो सिरप के रूप में आती है बेटे, छोटी सी शीशी होती है और उसमें जो है दो चम्मच दवाई होती है, सिर्फ दो चम्मच, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ दो चम्मच, तो कहेंगे मैडम कोई चम्मच छोटा भी हो सकता बड़ा भी, तो इस बोतल में 10 ml 10 मैंने 10 मिलीलीटर सिर्फ दवाई होती है। तो हमारा जो आम चम्मच होता है जिससे हम चाय में चीनी हिलाते हैं, उसमें कितनी चीज आती है एक चम्मच में, 1 teaspoonful, यानी एक चम्मच में अगर हम पानी या कोई भी चीज बिल्कुल लेवल डाल के दाएं तो कितनी आती है 5 ml 5 ml। तो इसमें अब कितने चम्मच मैंने दवाई बताई, दो चम्मच, इसीलिए इस शीशी में कितनी ml है, 10 ml और दो चम्मच दवाई है, समझ गए। और जो गोली होती है वो सिंगल डोज है। अब बेटे आप अपनी कॉपी पे एक खाका सा बना लो, जैसे लाइन डालते हैं ना, उसके तीन खाने बना लो, तीन बना लो, ये चार, पहला तो क्रम संख्या जिसको सीरियल नंबर कहते हैं, सेकंड इज द एज, एज मैंने उम्र, देन इज द डोज, डोज मैंने खुराक। तो हमने कितने एज ग्रुप वाले को कितनी दवाई देनी है ये लिख लो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो सीरियल नंबर 1, मैंने पहला। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको 0 बोलेंगे, है ना, 0 to 1 year, बच्चा पहला जन्मदिन अभी मनाने वाला ही है या मनाया ही है, 0 to 1 year, 0 to 1 year के बच्चे को हम अपने आप से बाजार से दवाई केमिस्ट से लेके नहीं दे सकते। तो लिख लो एज ग्रुप क्या है, 0 to 1, ठीक है। और मेडिसिन कितनी है, 9, अपने आप से उस बच्चे को पेट में कीड़े मारने की दवाई नहीं देनी है। अब लिखो सेकंड क्रम संख्या, तो जब पहला जन्मदिन मना लेते हैं तो क्या बोलते हैं, 1+, है ना, स्कूल में कहते हैं ना 3+ पे एडमिशन मिलेगी, तो 1+, 1+ से लेके 2 years, पहला बच्चे ने जन्मदिन मना लिया, अब वो 2 साल की उम्र का हो गया, तो 1+ से लेके 2 years तक के बच्चे को एक चम्मच दवाई। तो इसमें 2 चम्मच थी ना बेटा, आपने 1 चम्मच दे दी, 1 चम्मच उस शीशी में ही रखी रहेगी, चाहे वो खराब हो जाए या कुछ हो जाए, या हम 5-7 दिन बाद दोबारा दे सकते हैं। तो बच्चे को आपने दवाई कितनी देनी है, सिर्फ 1 चम्मच, ठीक है। फिर आता है हमारा 2+, अब 2 साल तक का तो बता दिया, 2+2 लेके 5 years, 2+ से लेके 5 years, इसको 2 चम्मच दवाई, ठीक है। तो मैं जैसे बच्चे हमारे वहां आते हैं हेल्थ कैंप्स में, अब मैं चम्मच में डाल के क्या देखूं, मुझे पता है कि इसको 2 चम्मच दवाई देनी है और शीशी में है ही 2 चम्मच, तो मैं चमचों में क्यों डालती जाऊं,
बच्चों को बुलाती हूँ, मुंह ऊपर खुलवा के पूरी दवाई उसमें उड़ेल देती हूँ। अब नेचुरल जब मुंह में दवाई जाएगी तो बच्चा अपने आप ही निकलेगा उसको, ठीक है ना। तो 2+ से लेके 5 ईयर्स तक के बच्चे को हम 2 चम्मच दवाई देंगे। अब 5+ से लेके अडल्ट, 5+ से लेके अडल्ट, अडल्ट मैंने बड़ी उम्र, उसको 1 टैबलेट, जो हमारे पास गोली आई थी एल्बेंडाजोल की 1 गोली, तो 1 गोली खाया गया तो पेट में जितने कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। अब आप मेरे से पूछे कि मैडम ये गोली या दवाई जो आपने हमें बताई ये खानी कैसे है, ठीक है, जो टैबलेट है हमारी, पीने वाली दवाई तो चम्मच में डाली, मम्मी ने पिला दी, 1 चम्मच 2 चम्मच है तो शीशी उड़ेल देगी। अब आई टैबलेट की बारी, ये टैबलेट हम दिन में किसी समय भी खा सकते, सुबह खाना चाहूं, दोपहर को खाना चाहूं, शाम को खाना चाहूं, रात को, कभी भी मैं खा सकती हूं। कैसे खाऊंगी, मुंह में रख के चूस भी सकती हूं टॉफी की तरह, किटकट करके दांत से तोड़ के वो भी खा सकती हूं, पानी से निगल भी सकती हूं। तो सबसे अच्छा क्या होता है, उसके मुंह में टैबलेट दो और पानी से निगल ले, क्योंकि अगर किटकिट करके खाता रहेगा तो बाहर जाके थूक देगा, या हम बड़ी लेडीज टेस्ट नहीं अच्छा लगा तो चलो जी थूक दो, ठीक है, तो पानी से हम निगल लेंगे। निगलने के बाद कई लोग ऐसे बोलते हैं ऊपर से चीनी खा लो जी, ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही ये कोई सिस्टम है कि रात को सोते समय ही खानी है, दिन में नहीं खानी, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 टैबलेट लेके हम खाएंगे, ज्यादा अच्छा हो परिवार के सारे लोग एक ही टाइम में खाओ, क्योंकि जो गृहिणी है जो रोटी बनाती है या सब्जी या सलाद काटी, तो अगर उसके पेट में से कीड़े और नाखून गंदे हैं तो गंदगी किस में आई, सलाद में, और पूरे परिवार ने तो खाई वो सलाद तो सभी के पेट में कीड़े हो जाते। तो इसीलिए जब मैं स्कूलों में भी आती हूँ हेल्थ कैंप करने, तो सभी बच्चों को इकट्ठा ही हम पेट में ये कीड़ों की दवाई देते हैं, पर उससे पहले हम उनके माँ बाप को भी इन्फॉर्म जरूर करेंगे कि कल बच्चों को पेट के कीड़े की दवाई दी जाएगी। कई बार माँ बाप कहते हैं आपने हमसे पूछे भी नहीं क्यों दे दी, ये भी बड़ा झंझट हो जाता है, तो बेटर है पेरेंट्स को हमेशा इन्फॉर्म। अब मैंने आपको बेटे ये सारा तो लिखवा दिया, अब कौन सा एक ग्रुप है जिसको पेट की, अगर आप केमिस्ट पे जाओगे ना पेट के कीड़े की दवाई मांगने, वो दे देंगे, ये टेबल मेडिसिन में आती है जिसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं भी है। तो अगर हम कौन सा एक ऐसा ग्रुप है जिसको अपनी मर्जी से ये पेट की कीड़े की दवाई नहीं खानी, तो आप लिख लो कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिनको पेट में कीड़े की दवाई अपने आप से नहीं खानी लेके केमिस्ट। सबसे पहला गर्भवती महिला, देख लो प्रेग्नेंट वुमेन। आप कहेंगे मैडम प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों नहीं खानी, अगर ये गोली प्रेग्नेंट वुमेन खाती है तो माँ से ये ब्लड में आएगी ऑब्जर्व होके, तो ये गर्भ में पल रहे बच्चे तक भी पहुंच जाती है, जिससे बच्चे को, गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान, ठीक है। तो पहला कौन सा ग्रुप हुआ, प्रेग्नेंट लेडीज। सेकंड कौन सा ग्रुप है जिसको अपनी मर्जी से दवाई नहीं खानी, वो माएं जो अपना दूध बच्चों को पिलाती है, लैक्टेटिंग मदर्स, वो मदर्स जो अपना दूध बच्चों को पिलाती है, तो आमतौर वो 1 साल से छोटा ही तो होता है, तो अभी मैंने भी लिखाया, पर उस माँ को भी नहीं खानी है, क्योंकि ये दवाई अभी मैंने आपको बताया ये खून में बच्चों को पहुंच जाएगी या माँ के दूध में भी ये दवाई निकलती है, तो अगर बच्चा दूध पिएगा तो माँ के दूध से ये दवाई बच्चे तक पहुंच जाएगी, हो सकता बच्चे को नुकसान आए। तीसरा किसको नहीं खानी है, ये दवाई जो है कई बार किसी को एलर्जी भी कर जाती है, वो एलर्जी किस रूप में बेटे, कई बार आपने भी देखा होगा कई पेशेंट्स आपके यहाँ के भी आए कि मैडम हमें ना अचानक बदन पे दप्पड़ पड़ जाते हैं, जैसे बताशे बताशे होते हैं और उसमें बड़ी खुजली होती है, तो वो क्या चीज है, जो पेट के कीड़े हैं वो अगर वो टूटते हैं अंदर या अंडे देते निकलते हैं वो टूट जाते हैं, तो उसका जो जहर होता है हमारे ब्लड में आता है जिससे हमें रिएक्शन हो जाता है। तो कई बार तो बेटे ये रिएक्शन बहुत सीवियर होता है, गले में जो सांस की नलियां है उसमें भी ये छाले पड़ जाते हैं, पेशेंट को सांस नहीं आ पाता। इसीलिए मैंने ये बात बोली है कि डॉक्टर से पूछ के दवाई खानी है, क्योंकि डॉक्टर को तो पता है कि मैंने इसको पेट के कीड़े की दवाई दी थी, तो हो सकता है ये उसी का ही रिएक्शन हो, तो फिर वो तो आपको जो भी दवाई देनी है एवेल की गोली या दूसरी एलर्जी की गोली वो दे देगा, ठीक है। तो
तो किसको ये गोली नहीं खानी, जिनको ये हिस्ट्री है कि उनको दवाइयों से रिएक्शन हो जाता है, तो उनको भी अपनी मर्जी से ये दवाई नहीं खानी, डॉक्टर से पूछ के ही लेनी। चौथा ग्रुप, इसके नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो मिर्गी के दौरे का कोई टाइम नहीं होता। तो इसी तरह अगर ये गोली खा लेगा और उसका जहर निकलेगा तो हो सकता है उसके ब्रेन में ये दवाई चली जाए और पेशेंट को और अधिक प्रॉब्लम। तो आज हमने क्या पढ़ा इसके साथ, कि जो सिंगल डोज पेट में कीड़े मारने की दवाई होती है उसका क्या नाम है, अगर आप नहीं भी लिख पाए तो केमिस्ट की दुकान पे जाके वो शीशी देख भी लेना और गोली भी देख लेना। तो पूछेगा जी मैं क्यों, तो कहना कि स्टूडेंट हूँ, हमें मैडम पढ़ाई करा रही है, आजकल हमारी ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, तो भैया जी प्लीज मुझे वो गोली दिखा दो। कहेगा कोई बात नहीं, और शीशी भी देख लेना, छोटी सी भूरे रंग की होगी शीशी, बिल्कुल छोटी सी होती है, 2 चम्मच दवाई होती है, समझ आ गया। दवाई देने का अब डोज भी मैंने बता दी, 0 to 1 year को कोई दवाई नहीं खानी है, 1+ से लेके 2 years को 1 चम्मच दवाई, 2+ से लेके 5 तक 2 चम्मच दवाई, 5 से बड़े को ये जो है आपकी पूरी टेबलेट। उसको खाने का तरीका क्या है, मुंह में रख के निगल भी सकते हैं, चूस भी सकते हैं, या दांत से कट कट करके खा सकते हैं। इसका स्वाद भी बड़ा ठीक है बेटे, एल्बेंडाजोल का बिल्कुल पाइन एप्पल का टेस्ट है। इसका टेस्ट कैसे है, पाइन एप्पल जैसे आप अनानास खाते। तो ये बेटे आज हमने पढ़े, पेट के कीड़ों के बारे में भी पढ़ लिया, स्टूल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट भी हमने पढ़ ली, और अंतड़ियों का क्या क्या काम होता है वो भी पढ़ लिया। अब बेटे मैं तुम्हें यहाँ एक चीज जो जनरल लाइफ के पॉइंट से व्यू से है, कई लोग इतनी ज्यादा अल्कोहल या शराब पीते हैं या इस तरह का भोजन खाते हैं कि जिससे उनका लिवर खराब हो जाता है। अगर एक बार लिवर खराब हो जाए और हार्ड हो जाए तो दोबारा वो ठीक नहीं होता। और नेचुरल लिवर का क्या काम था, टूटे हुए रेड ब्लड सेल्स को छानना, तो पेशेंट को बहुत सीवियर पीलिया हो जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो अगर ये जो हमारा लिवर है दोबारा डेड हो गया, तो हमें एक तरीका और भी है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, वो है लिवर का ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट मीन्स उसी फैमिली का कोई और व्यक्ति हो, जैसे भाई बहन, चाची ताऊ का नहीं ले सकते हैं हम, मतलब जो जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है, माँ है, पिताजी हैं, भाई बहन या भतीजा, जो सेम ब्लड ग्रुप के होते हैं, तो उसके लिवर में से एक छोटा सा टुकड़ा काट के जिसका लिवर खराब हो गया उसमें डाल देते हैं। जैसे आप ऐसे समझाने के लिए गुलाब की टहनी लगा देते हो तो गुलाब उगाता है ना। तो पर अगर हम सोचें कि मैं पपीते की टहनी लगा लूं या मैं किसी और चीज की टहनी लगा लूं, वो थोड़ी उग जाएगी। आप सोचो कि मैं बैंगन की टहनी तोड़ के लगा लेती हूँ तो बैंगन का पेड़ थोड़ी उगाएगा। पर कई होते हैं जिनकी टहनियां लगाने से भी पौधे उगाते हैं, इसी तरह लिवर भी है। तो लिवर का जो छोटा टुकड़ा देगा, सबसे पहले तो उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना, सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। तो हम लिवर में पड़ा था ना, उसके 2 लोब्स होते हैं, एक होता तो सारा राइट साइड में है पर उसकी 2 पंखड़ियां हैं, जो सीधे हाथ की तरफ है वो बहुत बड़ी है, पंखड़ी है, और जो उसके साथ लेफ्ट को पॉइंट करती है छोटा। तो वो थोड़ा सा पीस लेके जिस पेशेंट का लिवर खराब हो गया है उसमें डाल देते हैं, उसको कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट। ट्रांस मीन्स एक जगह से उखाड़ के दूसरे में, प्लांट मीन्स लगाना, ठीक है। तो ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए, आपने करना नहीं, पर आपको पता तो हो कि हॉस्पिटल में ये भी होता है। तो अगर आपको डॉक्टर कहता है उस पेशेंट को बुला कर लाओ जिसका लिवर ट्रांसप्लांट होना है, आप सोचेंगे पता नहीं क्या बोल रही है, मेरी तो पल्ले ही नहीं कुछ पड़ रहा। तो अब समझ आया लिवर ट्रांसप्लांट का क्या मीनिंग होता है। तो ये थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एक नॉलेज किस बारे में होनी चाहिए कि किस पेशेंट को हम कहेंगे जॉन्डिस। दूसरा लिवर बेटे एक इसी पे, लिवर किन लोगों का जल्दी खराब होता है, जो बहुत ज्यादा शराब पीते, सिरोसिस ऑफ लिवर उसको कहते हैं, लिवर बिल्कुल खराब हो जाता है, बिल्कुल जैसे जूट की चारपाई का जो से बांध होता है, बिल्कुल लिवर ऐसे हार्ड हो जाता है पत्थर की तरह। इसी तरह एक और वायरस है जो हमारे लिवर को खराब कर देता है,
हेपेटाइटिस बी नाम सुना होगा, जिसकी बचाव के लिए हम वैक्सीनेशन या 3 इंजेक्शन लगवाते हैं। तो आजकल ये हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन नवजात शिशु जो बच्चे नए पैदा होते हैं उनके लिए कंपलसरी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री लगता है। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसका वो कार्ड देखो, वैक्सीनेशन कार्ड, कि हमारे बच्चे को हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा। ये 3 इंजेक्शन बेटे लगते हैं, है ना, पहला इंजेक्शन, फिर 1 महीने के फर्क पे, फिर 5 महीने के फर्क। तो ये तो वैक्सीनेशन और लिवर के बारे में बात होगी, तो ये नॉलेज आपको आ गई। पेनक्रियास के बारे में भी पता चल गया, इसका काम है इंसुलिन बनाना, और इंसुलिन जो है हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। तो ये भी आपने कल लिख लिया होगा, ब्लड शुगर की वैल्यूज कितनी कितनी होती हैं। फास्टिंग 80 से लेके 100 मिलीग्राम, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद 100 से 140। अगर खाना खाने के बाद किसी का भी ब्लड शुगर 140 से ज्यादा हो तो हम उसको कौन सी बीमारी कहेंगे, इसको कौन सी बीमारी है, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी। तो अगर उसके ब्लड में शुगर की मात्रा एक खाना खाने के बाद इतनी बढ़ जाती है तो अगर वो शुगर खाएगा फिर तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में अगर शुगर की बीमारी में शुगर और भी खाओगे तो हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा बढ़ जाएगी। तो शुगर बढ़ने से क्या नुकसान होगा बेटे, हमारे में अगर कोई भी कीटाणु होंगे तो उनको, शुगर क्या चीज है, एनर्जी, तो आप कितनी भी दवाइयां उसको खिला लो उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि कीटाणुओं को, कीटाणु बहुत ताकतवर है, उनको भोजन मिलता जा रहा बड़ा बड़ा, वो क्या भोजन, ब्लड शुगर। तो अगर किसी को मान लो पेशाब में जलन है तो डॉक्टर्स बहुत दवाइयां दे जा रहे हैं पर उसकी तो जलन ठीक ही नहीं हो रही, तो सबसे पहले डॉक्टर को क्या चाहिए, उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल कर 140 के लेवल तक लेके आए। वो कैसे होगी, दवाई खाने से और डाइट में परहेज करेगा। इसी तरह फोड़े फुंसियां निकल आते हैं, तो जो पेशेंट डायबिटिक है हमें कैसे पता चलता है इसको डायबिटीज है, सिम्टम्स तो एक है, उसको कोई भी बीमारी हो जाए ठीक नहीं होती। तो या कहीं चोट लग गई, पस पड़ गई, तो पस सूखेगी नहीं, तो डॉक्टर को इसी से शक पड़ता है कहीं इसको डायबिटीज तो नहीं है। और अगर बेटे डायबिटीज का जो एक आपके लेवल पे, क्योंकि अब उस चैप्टर पे ही हूँ, मुझे तो 1 मिनट लगेगा बताने में, कैसे हमें सबको पता चलता, अभी ब्लड टेस्ट भी नहीं कराया, मुझे कैसे शक पड़ेगा कि कहीं मुझे डायबिटीज तो नहीं है या मेरी माता जी को डायबिटीज तो नहीं है, है ना। तो उसके 3 पॉइंट्स हैं सिर्फ, देखो सिर्फ 3 पॉइंट से आपने अभी टेस्ट भी नहीं कराया और आपको पता चल जाएगा कि ये डायबिटीज हो सकती है। एक तो सबसे पहले तो परिवार में हिस्ट्री, उनके जो खून से रिलेटेड लोग हैं उनको शुगर की बीमारी तो नहीं, पर मैं कहूंगी मैं उनसे कहाँ पूछने जा रही हूँ, ना ही कोई बताता भी है कई बार कि भी मुझे शुगर की बीमारी है, तो अपने लेवल पे मुझे शक पड़ रहा है कि कहीं मुझे डायबिटीज तो नहीं है। तो ये अगर तीनों पॉइंट्स एक ही व्यक्ति में एक ही समय मिले तो सबसे पहला शक कौन सी बीमारी पे जाएगा, डायबिटीज। तो वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं लिख लो, अधिक प्यास लगना, पहले तीनों पॉइंट्स लिख लो फिर मैं समझा दूंगी। अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना, अधिक यूरिन आना। तो हम इसको कहते हैं अली ज्यादा प्यास को पॉलीडिप्सिया कहाँ लिखोगी, या भूख बहुत लगना और ज्यादा पेशाब आना। तो आप कहोगे मैडम सर्दियों में तो मुझे बड़ी भूख लगती है, या सर्दियों में है ना बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो आप में सर्दियों में भूख लगती है और पेशाब भी बहुत ज्यादा आता है, पर आप पानी कहाँ पीते हो सर्दियों में, 2-4 घूंट पी लिया फिर कहोगे सर्दियों में तो पानी पीने का मन ही नहीं करता। गर्मियों में आप पानी बहुत पीते हो, तो आप कहोगे गर्मियों में मैडम मैं तो प्यास बहुत लगती है तो क्या मुझे डायबिटीज है, और गर्मियों में यूरिन कहाँ आता है ना। तो अगर किसी व्यक्ति में ये तीनों पॉइंट्स यानी भूख अधिक लगना, पेशाब ज्यादा आना और प्यास भी ज्यादा लगना, तो अगर एक ही टाइम में ये तीनों सिम्टम्स हैं तो सबसे पहला शक हमारा किस में जाएगा, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी में। तो फिर हम जाके अपना शुगर टेस्ट कराते हैं, ब्लड शुगर। तो बेटर है हम या तो खाली पेट कराएं, जैसे रात को खाना खाया सुबह नहीं, खाना खा के फास्टिंग जिसको,
वो 80 से 100 के बीच में होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं। और अगर मैं नाश्ता खा के जाती हूँ तो डेढ़ घंटे बाद 140 से ज्यादा नहीं होगी। हम लोगों में ना एक गलती और भी है, जिस दिन हमें पता चलता ना आज मेरा खून टेस्ट होना, उस दिन हम थोड़ा खाना खाते हैं से ज्यादा ना आ जाए, तो अचानक किसी दिन हमें अपना ब्लड शुगर टेस्ट करा लाना चाहिए। जैसे दोपहर को रोटी खाई या सुबह नाश्ता खाया, जैसे सर्दियों में 2-3 पराठे भी खा लिए, मक्खन भी खा लिया, और अचानक फिर बच्चों को चाहिए, बेटा है या आप जैसे नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो, चलो अम्मा जी आपका आप शुगर टेस्ट करा लेते, तो कहेंगे नहीं बेटा मैं कल कराऊंगी। वही कल क्यों कराओगे, खाना तो आज खा लिया ना, डेढ़ घंटे बाद कराओगे तो फिर शुगर का लेवल देखो। अगर मैं बता के कहूँ कि आजकल आपका शुगर टेस्ट कराने चलते हैं, अम्मा जी सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो जाना, उस दिन वो कहेंगी बस थोड़ी सी रोटी खा लेती हूँ आके करा लूंगी, ये ना हो कि कहीं उसमें ज्यादा शुगर आ जाए। समझ आ गया बेटे? क्योंकि हम लोग ये कभी भी नहीं चाहते कि हमारी बीमारी इस तरह से, पर जो समझदार लोग हैं वो जितना रोज खाते हैं उतना ही खा के जाएंगे। समझ आया बेटे? तो ये हमारा आज डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो। तो अपनी कॉपी में डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाओगे, माउथ पार्ट्स का बनाओगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने हमारे अंग थे उनका नाम लिख के उनका क्या क्या फंक्शन था वो लिखोगे, फिर उसके बाद स्टूल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जैसे बताई थी वो लिखोगे, तो ये सारे टेस्ट है। किसी भी लेबोरेटरी वाले के पास जाओगे ना तो कहना कोई पुरानी आपके पास स्टूल टेस्ट की रिपोर्ट है, या अपने घर में से किसी मेंबर का स्टूल बच्चे का ही टेस्ट करा लाना तो रिपोर्ट से पता भी चल जाएगा। ठीक है बेटा? तो अब किसी का, अजय जी किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो दे आर मोस्ट वेलकम। वैसे तो ये लीव ठीक है, ठीक है ठीक है, अभी पूछ लेती है। इसमें से किसी का क्वेश्चन था, तन्नू आपका कोई क्वेश्चन है? वर्षा आपका कोई क्वेश्चन? तन्नू जल्दी पूछो, ये जल्दी पूछो, 3 बजने वाले हैं फिर। हेलो, हेलो हेलो, नमस्ते मैम, अंजू बात कर रही हूँ। बोलो, हाँ बोलो बेटे। मैम जैसा आप बता रहे हो कि शुगर में ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा प्यास लगती है और पेशाब भी ज्यादा आता है। हाँ मैम, मेरी मदर इन लॉ थी, वो अभी 5 तारीख को ही डेथ कर गई है, तो मैम उनको शुगर बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो उनको ज्यादा कभी भूख तो नहीं लगती थी, बाथरूम भी बहुत ज्यादा जाती थी, बाथरूम जाती थी। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर ये भूख, तो ये भी हो सकता है उम्र के हिसाब से बीमार ज्यादा हो तो खाना नहीं खा पाती, पर पेशाब अगर ज्यादा आता है तो हमें शक पड़ना चाहिए ना कि इनका हम जाके ब्लड शुगर। बिल्कुल, बाथरूम तो मैम इतना ज्यादा आता था कि उनको एक मिनट का भी बिल्कुल वो नहीं रहता था। और अगर वो कच्ची जमीन पर पेशाब करेंगी ना तो कीड़े आने शुरू हो जाते हैं, पर मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि फर्श पे पेशाब करके देखे, तो सबसे अच्छा टेस्ट करा लो बेटे। अभी मैं ये जो शुगर टेस्ट करना है पेशाब में, बहुत ही इजी है, बाजार में तो आप 100 रुपया ले लेते हैं, तो अगर टाइम हो या एक सोल्यूशन आता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, या बाजार में स्ट्रिप्स भी आती है, तो अगर उसको हम पेशाब में उस पतली सी कागज की छड़ी सी बनी होती है, स्ट्रिप्स बोलते हैं, तो फोटो में अगर ये मुझे दिखा सके ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स, तो उसको हम पेशाब में डालें तो स्ट्रिप का रंग चेंज हो जाता है, उसका घीए का कलर का स्ट्रिप होती है आगे, हरे हरा घीए की तरह, तो अगर हम उसमें पेशाब में डालें और उसका रंग चेंज हो जाए तो इसका मतलब इसके पेशाब में शुगर जा रही है। तो सबसे पहले तो उसका हरा रंग से थोड़े पीलेपन पे आएगा, फिर संतरी रंग पे आएगा, फिर उसके बाद ऑरेंज कलर हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर बहुत ज्यादा शुगर है तो उसका रंग लाल हो जाएगा। तो ये ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स होती है, तो जो आप शायद इंटरनेट पर भी डाउनलोड करोगे तो स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये स्ट्रिप्स से अगर टेस्ट करते हैं ना बेटे तो 50 रुपए खर्च होते हैं, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको ये टेस्ट करना सिखा दूंगी, 5 रुपए भी नहीं खर्च होंगे और पूरे परिवार का भी आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, बाय।